एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटम X2 5G ये है टेक्नो मोबाइल्स का प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन। डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो हैंडसेट को यूज़ करना मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और ये इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आता है। इसे आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है। ये फिल्म इसके ऊपर लगा हुआ था और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, 12 प्लस 1 मंथ्स की वारंटी के साथ में आता है, 13 मंथ्स की वारंटी आपको मिलती है। प्लस ये इंटरेस्टिंग केस दिया हुआ है। ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक तो इस प्रकार से लग जाता है, ऊपर से जो केस है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, सैंडस्टोन जैसा फील आपको मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इस प्रकार के साइड स्टैंड के साथ में आता है। अगर आपको हैंडसेट को इस प्रकार से रखना है, हो सकता है कि आप वीडियो वॉच कर रहे हों या फिर वीडियो कॉल पर हो, तो ये काफ़ी काम में आता है। तो बॉक्स में हैंडसेट के अलावा ये 45 वाट का चार्जिंग अडैप्टर भी दिया हुआ है। ये वायर्ड ईयरफोन्स बॉक्स के अंदर दिया हुआ है जो कि टाइप सी कनेक्टर के साथ में आते हैं और ये है USB टू टाइप सी केबल। इस हैंडसेट में आप दो नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। ये सेगमेंट फर्स्ट डायमेंसिटी 9000 5G प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है। वैसे ये दुनिया का पहला TSMC 4nm क्लास का प्रोसेसर है, ऑक्टाकोर पावर्ड है और इसमें माली G710MC10 GPU का उपयोग किया गया है। मैं इस पर आपको Geekbench 5 स्कोर दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है ये तकरीबन 10 लाख के आसपास है। इससे ही आप समझ गए होंगे कि ये जो स्मार्टफोन है कितना पावरफुल है। तो मैंने इस पर ये Geekbench 5 बेंचमार्क रन किया था और मुझे ये स्कोर मिला हुआ है। जो मल्टी स्कोर है ये 3900 के आसपास है। तो डेफिनेटली इस पर आप हाई एंड गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथली खेल पाएंगे। ग्राफिक्स की क्वालिटी एज वेल एज जो हीटअप की अगर बात करें तो इस पर आपको ज़्यादा हीटअप नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये जो डायमेंसिटी 900 चिपसेट है ये हाइपर इंजन 5.0 के साथ में आता है जो कि फास्टर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का इसमें उपयोग किया गया है। आप इस प्रकार के गेम्स काफ़ी देर तक इस फ़ोन पर खेल पाएंगे। ये पावर एफिशिएंट भी है और AI VRS के साथ में आता है, मतलब कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और हाइब्रिड AI GPU सुपर रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है जो कि लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, खास करके जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो। और ये वाईफाई ब्लूटूथ हाइब्रिड को एग्जिस्टेंस 2.0 सपोर्ट करता है, मतलब कि वाईफाई और ब्लूटूथ के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। तो गेमिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है और क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है 11 5G बैंड्स सपोर्ट करता है और डुअल सिम डुअल एक्टिव मोड के साथ में आता है। चलिए जो 5G टेस्ट है वो करते हैं। तो मैंने ये स्पीड टेस्ट किया था जियो नेटवर्क पर, मुझे डाउनलोड स्पीड मिला 485 MBPS और अपलोड स्पीड है 23.9 MBPS जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये स्मार्टफोन स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है इस सेगमेंट में। ये जो फैंटम X2 है इस पर 64 MP का RGBW G+P कैमरे का उपयोग किया गया है। G+P का मतलब है ग्लास प्लस प्लास्टिक। वैसे इसमें 2 MP का डेप्थ सेंसर है, 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है और क्वाड LED फ्लैश भी दिया हुआ है। जो फ्रंट कैमरा है वो 32 MP का है। ज़्यादा करके RGB पिक्सल्स यूज़ किया जाता है जो कि रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू होते हैं, लेकिन यहाँ पर RGBW मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू वाइट पिक्सल्स यूज़ किया गया है। ये जो वाइट पिक्सल है इससे जो सेंसिटिविटी है और जो ब्राइटनेस है सेंसर का ये इंक्रीज़ होता है और बेहतर कलर सैचुरेशन मिलता है। तो G+P जैसे कि मैंने आपको कहा ग्लास प्लस प्लास्टिक, ये जो लाइट इनटेक है ये 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और इसके कारण जब आप इस कैमरे को लो लाइट सिनेरियो में यूज़ करते हैं तो आपको बेहतरीन शॉट्स मिलते हैं। ये OIS के साथ में भी आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे आपको स्मूथ फुटेजेस मिलने वाला है। तो मैंने इसके साथ में कुछ शॉट्स लिया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैमरा मोड में हूँ, यहाँ पर फिल्म है, वीडियो मोड दिया हुआ है, AI कैम है, पोर्ट्रेट शॉट मैं यहाँ पर शूट करता हूँ। देखिए किस प्रकार से जो बैकग्राउंड है इसने ब्लर किया हुआ है और इस प्रकार से मैं पोर्ट्रेट शॉट शूट कर सकता हूँ। अगर मुझे माइनर मैनुअल एडजस्टमेंट्स करना है तो इस प्रकार से मैं जो एक्सपोजर है इसे चेंज कर सकता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट ये शूट करता है और AI कैम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं। तो ये है डिफ़ॉल्ट और ये अलग अलग फ़िल्टर्स है जो कि जो लुक एंड फील है ये चेंज करते हैं। तो ये जो फ़िल्टर्स है इन्हें ट्राई कीजिए, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं।
64 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यह है वीडियो मोड, वीडियोस काफ़ी बढ़िया शूट करता है। वीडियो में आपको वाइड एंगल का मोड मिलता है, 1x है, 2x है, मैक्सिमम ये 10x तक जूम इन कर सकता है। और वीडियो में यहाँ पर ये एनहेंसमेंट दिया हुआ है, अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट, जो कि पिक्चर को और भी एनहेंस करता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर हो गया है, ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि किसी DSLR कैमरे का मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिया हुआ है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये है नेचुरल इफेक्ट जो कि एनहेंस करता है वीडियो को, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टाइलिश मैन ये जो वीडियोस है इन्हें इस प्रकार से शूट करता है, तो अगर आपको इस प्रकार के वीडियो शूट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इन्हें आप स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये फिल्म का ऑप्शन दिया है, मैं ये स्पोर्ट्स मोड जो है इसे सेलेक्ट करता हूँ, और अब ये स्पोर्ट्स मोड को इसने सेट किया है। मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना है। अब ये सेकंड शॉट, अब थर्ड शॉट एंड फोर्थ शॉट। तो इसने अब ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ये देखिए अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ये वीडियो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है। देख सकते हैं कि काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के वीडियोस इसने बना के दिया है, और मैंने बहुत ही आसानी से इसे रिकॉर्ड किया हुआ है, ये देखिए। तो ये जो फिल्म थीम्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्काई शॉप करके एक फीचर है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बेसिकली जो स्काई है उसे रिप्लेस करता है, ये देखिए। तो इसे भी आप काफ़ी सिचुएशंस में, खास करके लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज़ कर पाएंगे। ये शॉट मैं ले लेता हूँ, ये देखिए ऐसा है ये शॉट। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो जो बैकग्राउंड स्काई है उसे ये बेसिकली रिप्लेस करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, ये वाला भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, ये वाला भी, इसे भी मैं शूट करता हूँ। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, AR शॉट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इसमें दिया हुआ है। और अगर मैं ये ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ, ये देखिए किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है उसका जो फेस है इसे ये कार्टूनिश टाइप का AR स्टाइल का बनाता है, ये देखिए किस प्रकार से ये वैसा ही रेप्लिकेट कर रहा है। और भी ऑप्शंस है, ये देखिए ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लस वुमेंस के लिए ये ऑप्शन है, और ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा स्टडी मोड को मैंने ऑन किया हुआ है, और ये जो वीडियो है मैं अब भाग के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे आपका आइडिया मिल गया होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसी है। अब मैं फिर से भाग के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे, बैकग्राउंड ब्लरिंग भी काफ़ी अच्छा है, स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छा है, नाइट शॉट्स इम्प्रूव्ड नॉइज़ और कलर परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं, डुअल वीडियोस भी आप इसके साथ में शूट कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी मुझे इसकी एक्सीलेंट लेवल की लगी। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। जैसे कि मैंने कहा इसका जो डिस्प्ले है ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले है। वैसे ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि आमतौर पे आपको प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स पर मिलता है। डिस्प्ले का जो साइज़ है ये 6.8 इंचेस का है। फ्लेक्सिबल एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है, और ये ए रेटेड डिस्प्ले है, TUV SUD सर्टिफाइड है। मतलब कि पहले दिन में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, 3 साल बाद भी आपको वैसा ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। B3 8 प्लस 2-bit डिस्प्ले है, और ये 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग भी सपोर्ट करता है, गेमिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, और इसका जो ब्राइटनेस है ये है 700 निट्स। तो ये जो कर्व डिस्प्ले है इसका जो एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी अलग होता है। वैसे रियर साइड पर 3D ग्लास का उपयोग किया गया है, और ये भी कर्व्ड है। जो मिडिल फ्रेम है ये CNC मेटल का बना हुआ है, तो काफ़ी टफ बिल्ड और फिनिशिंग है। और क्योंकि ये पीछे से भी कर्व हो जाता है, और जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है, तो आपको काफ़ी बढ़िया सिमेट्रिकल लुक मिलता है। हैंड फील भी काफ़ी अच्छा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है जब आप इस हैंडसेट को यूज़ करेंगे तो। और ख़ास करके इसका जो कैमरे का मॉड्यूल है इसे भी अलग तरीके से प्लेस किया हुआ है, ये 3.5D मून क्रेटर डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। तो जो कैमरा मॉडल यहाँ पर आप देख रहे हैं
इसमें कोई भी शार्प एजेस नहीं है और बढ़िया स्मूथ कर्व्स दिया हुआ है। वैसे जो बैक पैनल है ये मिलिट्री ग्रेड एंटी ग्लेयर ग्लास से बना हुआ है और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट भी है, इस पर आपको फिंगरप्रिंट के धब्बे नहीं मिलने वाले हैं। इस हैंडसेट का जो लुक है ये काफ़ी अमेजिंग है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हैंडसेट को लूप डिज़ाइन अवार्ड मिला हुआ है। इस हैंडसेट में 8GB रैम दिया हुआ है प्लस मेम फ्यूजन टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया गया है, जो कि बेसिकली वर्चुअल रैम क्रिएट करता है। आप मैक्सिमम 5GB तक का एक्स्ट्रा रैम वर्चुअल रैम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे जो सिस्टम परफॉर्मेंस है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। इसके अलावा इसमें 256GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, UFS 3.1 स्टोरेज है जो काफ़ी फास्ट है, 1200 MB/s राइट स्पीड है। फैंटम X2 में 5160 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ आपको दे देगी। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं तो तकरीबन 23 आवर्स तक आप नॉन स्टॉप वीडियोस देख पाएंगे, और इनकेस अगर आप हैवी गेम्स खेलते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी तो तकरीबन 7 आवर्स तक नॉन स्टॉप गेम्स खेल पाएंगे, और हैंडसेट हीटअप भी नहीं होता है। और बॉक्स में जो 45W का चार्जर दिया हुआ है इस बैटरी को 50% चार्ज कर सकता है 20 मिनट्स में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है जो कि काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है। जो अनलॉक स्पीड है ये है तकरीबन 0.23 सेकेंड्स, फास्ट अनलॉक करता है। इसमें iOS वर्जन 12 रन हो रहा है जो कि एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। काफ़ी बढ़िया UI है और काफ़ी स्मूथ भी है। तो इस हैंडसेट से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ और ख़ास करके इसका जो केस है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वैसे ये जो हैंडसेट है ये Realme GT2 5G, GT Neo 3 5G, Oppo Reno 8 Pro 5G, Vivo V25 Pro, Samsung A73 5G, OnePlus 10R 5G, IQ 9 5G और IQ का ही 9 SE 5G, इन सारे जो स्मार्टफोन्स हैं उन्हें कम्पीट करता है, और इसका प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है। इस हैंडसेट का प्राइसिंग है 39,999 रुपीज़। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।